प्रॉक्सी होम्स गाजियाबाद। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद महिला मोर्चा गाजियाबाद द्वारा प्रदेश की महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए तथा आज की कोरोना कालीन विषम परिस्थितियों में अवसाद से कैसे निपटा जाए यह सिखाने के उद्देश्य से एक ध्यान सेशन का आयोजन ऑक्सी होम्स में किया गया। एबीवीईपी जिलाध्यक्ष गाजियाबाद प्रतिमा पांडे के आवास से कार्यक्रम का संचालक रेकी हीलर और स्पिरिचुअल काउंसलर अनीता शर्मा द्वारा किया गया। अनीता शर्मा ने ध्यान कराते हुए सभी बहनों को बताया, तत्कालीन समय धैर्य पूर्वक जो भी ईश्वर ने दिया है उसका धन्यवाद करते हुए हमें स्वयं तथा समाज को विषम परिस्थितियों से निकालना है। कार्यक्रम में एबीवीईपी प्रदेश अध्यक्ष प्रयागराज से अर्चना तिवारी, जिलाध्यक्ष गाजियाबाद प्रतिमा पांडे, जिलाध्यक्ष हरिद्वार विजय लक्ष्मी, प्रदेश संयोजक अंजू पांडे, प्रदेश संयोजक उत्तराखंड प्रभा बांदा, जिलाध्यक्ष स्मिता, नीतू, शालिनी, प्रोमिला, प्रेम कुमारी, शिखा दिल्ली, इसके अतिरिक्त गोरखपुर प्रयागराज छत्तीसगढ़ से यामिनी शर्मा, सुनीता, दीप्ति, ज्योति, अंकिता, अंजलि, रंजना, शुभरा आदि बहने शामिल हुई और विश्वा शांति की कामना के साथ जय श्री परशुराम का उद्घोष कर कार्यक्रम का समापन हुआ। समस्त भारतवासियों को अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की तरफ से नमस्कार। जैसे कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, दिनांक 10/10/2020 दिन शनिवार प्रातः 7:30 बजे हमारे संगठन द्वारा एक ध्यान सेशन का आयोजन किया जाना था, तो अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज गाजियाबाद की रेकी हीलर और स्पिरिचुअल काउंसलर अनीता शर्मा द्वारा इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अर्चना तिवारी, गाजियाबाद की जिलाध्यक्ष प्रतिमा पांडे, साथ ही साथ अन्य जिलों के जिलाध्यक्ष एवं सदस्य शामिल हुई, जिसमें यामिनी शर्मा, अंजू पांडे, प्रोमिला शर्मा, शालिनी शुक्ला, प्रेम कुमारी दुबे, अंजलि, स्मिता त्रिपाठी, नीतू और अन्य अन्य महिलाएं, प्रभा पांडे और अन्य महिलाएं शामिल हुईं और शामिल होकर के उन्होंने इस ध्यान सेशन का लाभ उठाया। साथ ही साथ परमात्मा के साथ तारतम्य बिठाते हुए किस प्रकार आज के इस दौर में, जबकि समस्त विश्व कोरोना महामारी से उभरने का प्रयत्न कर रहा है, मानसिक तौर पर कैसे स्वस्थ रहा जाए और एक स्वस्थ नागरिक की तरह किस प्रकार देश को अपनी सेवाएं दी जाए, इस विषय पर चर्चा हुई। अंत में समस्त महिलाओं द्वारा अनीता शर्मा जी को धन्यवाद ज्ञापन दिया गया और हमारे संगठन के आराध्य श्री परशुराम जी महाराज की वंदना करते हुए इस कार्यक्रम का समापन किया गया। समस्त विश्व के लिए मंगल कामना की गई। धन्यवाद। जय श्री परशुराम।